गोरी कवि दोनों गर्मियाँ बिताने के लिए नए जंगल आए थे। वो अपने लिए एक मकान की तलाश कर रहे थे, लेकिन उन्हें कोई घर नहीं मिलता। फिर वो रूही चील के पास जाते हैं। चील दी, एक पक्षी ने हमें बताया रूही चील के पास घर खाली पड़ा है, तो हम आए हैं। हमें सुंदर सा घर चाहिए। एक घर खाली है, मैं उसको दिखा देती हूँ, अगर पसंद आए तो तुम दोनों रह लेना। फिर रूही चील उन दोनों को अपने साथ ले जाती है। चील का घर पुराना हो चुका था और देखने में भी बुरा लगता। भला ये भी कोई घर है? इससे अच्छा तो हम किसी खंडर में रह लें। अब जैसा भी है देख लो, मेरे पास तो एक ही घर बचा है। चील दी, घर बहुत पुराना है, नए दरवाजे खिड़की भी लगवाने पड़ेंगे, छत भी टूटी हुई है। इसका किराया बस एक दाना देंगे हम। एक दाना? ये कौन सी बात हुई? कम से कम 10 दाने देने होंगे तुम्हें। रहना है तो रहो, वरना जाओ, महंगाई बहुत बढ़ गई है। नहीं, मैं इस घर में कतई नहीं रहूंगी। कालू जी तुम चले। गोरी जरा अच्छे से सोच लो, अगर इस जंगल में रहना है तो इसी घर में रहो, कोई दूसरा घर नहीं मिलने वाला। सुबह से भटक रहे हैं। अपने पति की ये बात सुनकर गोरी रुक जाती है। तब रूही चील बोलती है, हो गया तुम दोनों का फैसला, अब दो मुझे आधा किराया एडवांस दो। कालू कौवा अपने बैग से दाने निकालता है और 5 चने के दाने चील को दे देता है। चील वहाँ से चली जाती है और वो दोनों घर के अंदर रहने लगते हैं। उनके पास वाले मकान में रानो चिड़िया रहती थी, उसका घर बहुत सुंदर था। मेरा नाम गौरी कवि है, हम तुम्हारे नए पड़ोसी हैं, कल ही शिफ्ट हुए हैं। मुझे मालूम है, बहुत समय से ये घर खाली पड़ा हुआ था। अच्छा हुआ जो तुम दोनों यहाँ आ गए। तुम्हारा घर बहुत सुंदर है, जरूर तुम्हारे पति ने बनाया होगा। नहीं गौरी बहन, ये घर माही चील का है। मैं यहाँ पिछले 6 सालों से रह रही हूँ। 2 साल पहले मेरे पति टिंडू की मौत हो गई। अब मैं अपनी बेटी के साथ रहती हूँ। अच्छा तो चिड़िया, चील तुमसे किराया भी ज्यादा लेती होगी, घर भी तो कितना सुंदर है। नहीं गौरी बहन, माही चील बहुत अच्छी है, वो मुझसे सिर्फ 3 दाने लेती है। 3 दाने? हमसे तो पूरे 10 दाने लेती है। हाय हम लूट गए, बर्बाद हो गए, हमें चील लूट रही है। 3 दानों का सुन के तो गौरी के होश गुम हो जाते हैं। वो भागी भागी अपने पति कालू को ढूंढती है। कालू कौवा नदी पे पानी पी रहा था। गौरी, मेरे साथ आने से तो तुमने मना कर दिया था, अब प्यास लग गई तुम्हें? कालू कालू, हम लूट गए, वो रूही चील हमें लूट रही है। हमारे फटे से घर के 10 दाने और हमारी पड़ोस में जो सुंदर घर है उसके मात्र 3 दाने। गौरी तुम्हें कैसे पता चला? मैंने उस चिड़िया से बात की जो उसी घर में रह रही है। ठीक है, आने दो उस चील को, मैं भी फालतू का एक दाना तक नहीं दूंगा। इस तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं। चील किराया लेने कौवे के पास आती है। कौवे, पूरा 1 महीना हो गया तुम्हें, आधा किराया तो दे दिया, अब 5 दाने और दे दो। किस बात के 5 दाने? मैं नहीं दूंगा, वो चिड़िया हमसे कहीं ज्यादा अच्छे घर में रहती है, फिर भी किराया बस 3 दाने, तो हम क्यों दें? कौवे, तुम नई नई आए हो और वो चिड़िया यहाँ 6 सालों से रह रही है। उस बेचारी का तो पति भी मर गया, इसीलिए मैं उस पे दया करती हूँ। उसकी छोटी सी बेटी है, अगर उसकी जगह कोई और होता तो 10 ही दाने लेती, कुछ भी हो, लेकिन हम भी 10 दाने नहीं देंगे। नहीं दोगे तो अभी के अभी मेरे घर से निकल जाओ, मुझे कोई गर्ज नहीं है। ऐसे बोलकर रूही चील वहाँ से चली जाती है। कौवे तो सोचे जा रहे थे, हम दें 10 दाने और वो चिड़िया 3 दाने, बहुत मजे से रह रही है। गौरी तुम चिंता मत करो, उस चिड़िया को यहाँ से भगा देते हैं, फिर कम से कम अच्छे घर में तो रहेंगे। ये बात कालू कौवे को ठीक लगती है। जब चिड़िया अपनी बेटी के साथ घर से बाहर गई हुई थी, तो कालू कौवा चिड़िया के पूरे घर में आग लगा देता है और गौरी कवि भागी भागी चील को बुला लाती है। देख लीजिए चील दी, आपके सुंदर घर में आग लगा कर पता नहीं चिड़िया अपनी बेटी के साथ कहाँ घूम रही है। गौरी कवि चील से चिड़िया के बारे में खूब बुरा भला कहती। कुछ देर बाद रानो चिड़िया वहाँ आती है। आग आग, ये आग कैसे लगी मेरे घर को? मेरा सामान जल रहा है। चिड़िया ये तो तुम्हें पता होना चाहिए, घर को आग कैसे लगी? मैं थोड़े न रहती हूँ यहाँ। मुझे चिड़िया के घर से गैस की बू आ रही थी, जैसे ही मैंने घर में जाने का सोचा तो एकदम से आग लग गई। चिड़िया बेपरवाह है।
नहीं चेल्दी, मेरा यकीन करें, मैं गैस बंद करके गई थी। बस चिड़िया बस, अब तुम कहीं और चली जाओ, तुम्हारी लापरवाही की वजह से मेरा पूरा घर जल गया। चेल्दी आप चिंता ना करें, हम इस घर को बिल्कुल पहले जैसा बना लेंगे, आपकी इजाज़त हो तो। ठीक है गोरी, 6 महीने का किराया मत देना, अच्छे से घर की मरम्मत कराओ और फिर तुम ही इस घर में रहना। ऐसे रूही चील रानो चिड़िया को वहाँ से भगा देती है और अपने घर चली जाती है। कव्वे तो बहुत खुश हो रहे थे। मम्मा अब हम कहाँ रहेंगे, कहाँ जाएंगे, हमारा घर कितना अच्छा था, मुझे बहुत धूप लगी है। बेटी तुम चिंता ना करो, मैं नए घर का इंतजाम कर लूँगी, आप यहीं बैठे रहना, कहीं जाना मत। ऐसे बोलकर रानो चिड़िया तेज धूप में घर की तलाश को चली जाती है। उसकी बेटी धूप में बैठी हुई थी, मौसम बहुत गर्मी का था, फिर अचानक से तेज बारिश होने लगती है। बिन मौसम बारिश से उसे बुखार आ जाता है। पहले कड़ी धूप और फिर बारिश, मेरी बेटी बीमार होगी, अब मैं क्या करूं? मम्मा अब मुझे ठंड लगी है, जल्दी कुछ करें। ऐसे बोलते हुए गुड़िया अपनी आंखें बंद कर लेती है। तभी मम्मा चिड़िया बारिश से बचने के लिए हरी घास का घर बनाती है और अपनी बीमार बेटी को उस घर में ले जाती है। कालू जी बाहर कितनी तेज बारिश है, अच्छा क्या जो चिड़िया के घर में आग लगा दी और चिड़िया को भगा दिया, वरना उस घर की तो छत भी टूटी हुई थी। हाँ गोरी अब हम बारिश में भीग रहे होते। कालू गोरी चिड़िया के घर में ऐसे बातें कर रहे थे, तभी रूही चील उनके घर आती है और सारी बातें दरवाजे पर खड़ी सुन लेती है। मेरे घर को आग कैसे लगाई तुमने, शैतान कौवो छोड़ूंगी नहीं। फिर चील दोनों कौवो को मार मार के भगा देती है और रानो चिड़िया को ढूंढने लगती है। वो ढूंढते ढूंढते चिड़िया के घास घर में पहुंच जाती है। चील दी आप यहाँ, बोले कैसे आना हुआ? रानो चिड़िया मुझे माफ कर दो, मैं उन बुरे कौवो की बातों में आ गई थी, लेकिन अब घर चलो, गुड़िया बेटी को मैं काढ़ा पिला दूंगी, इसको सर्द गर्मी वाला बुखार है, मैं जानती हूँ काढ़ा बनाना। फिर रानो चिड़िया चील के साथ अपने घर में वापस चली जाती है और चील अपने हाथों से गुड़िया को काढ़ा पिलाती है, गुड़िया एकदम स्वस्थ हो जाती है। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है, जो दूसरों का बुरा करता है अंत में उसका खुद का ही बुरा हो